नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रागर स्थित बलतोड़िया गणेश पूजा मेला मैदान में रविवार को बलतोड़िया युवा संघ की ओर से दिवंगत पार्षद खालिद खान के स्मरण में एवं अरमान खान के नेतृत्व में लॉन्ग पिच रनिंग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन दिवंगत पार्षद खालिद खान के 4 वर्षीय पुत्र कबीर खान ने फीता काटकर किया। इस दौरान ब्राकर फाड़ी प्रभारी रविंद्रनाथ दुलई भी उपस्थित थे। इस टूर्नामेंट में बंगाल झारखंड से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिवंगत पार्षद खालिद खान के भाई सह युवा तृणमूल नेता अरमान खान ने बताया कि मेरे भाई को क्रिकेट से काफ़ी लगाव था और वे खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। सामने देखिएगा जरा। बलतोड़िया युवा संघ द्वारा कराया जा रहा जो टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट, उसको कराने का कोई खास मकसद या कोई खास वजह आज की तारीख पे समझा दे आपको। सबसे पहले मैं बलतोड़िया युवा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि खालिद खुद एक क्रिकेट प्रेमी था और वो एक अच्छा क्रिकेटर था, और इसलिए आज सभी लोगों ने बैठ के फैसला लिए। खालिद खान एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था और ज़्यादा करके वो हर स्पोर्ट से जुड़ा हुआ था और बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी भी था, जिसके कारण पूरा 6 नंबर के वार्ड के लोगों ने, तो मतलब आज जो 12 तारीख है, ये 12 तारीख के दिन इनका इंतकाल हुआ था, ये वजह है या फिर मतलब सिर्फ ऐसा ही नए साल के अवसर पे कराया गया? इनका इंतकाल तो 24 तारीख रात में हुआ था। अच्छा। वो क्रिकेट प्रेमी थे, बहुत लोगों से, बच्चों से साथ में खेलना, उनका अच्छा क्रिकेटर थे, इसलिए हम मतलब युवा संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज वो इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया है। युवाओं ने उनके याद में ये टूर्नामेंट आयोजित कराया? जी हाँ, युवाओं ने उनके याद में ये टूर्नामेंट किया है। और यहाँ पे कुल कितने टीम जो है वो भागीदारी ले रहे हैं? यहाँ पे 16 टीम भागीदारी ले